अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मुबशिर इरफान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले बीटीसी के बिल्कुल शॉर्टर अपडेट्स और क्या यहाँ पे पूरा हमारे पास एक फंडा है, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होगी नहीं होगी। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको दो सिनेरियोस बताए थे, बट बीटीसी अभी भी स्टिल वहीं पे मूव कर रहा है, कोई ज्यादा बीटीसी के अंदर बड़ा मूव नहीं है। इथेरियम ने हमारे पास बहुत अच्छा मूव दिखाया है और अब वो कहाँ पे आपको इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए और वो कहाँ तक पंप हो सकता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव न्यूज है इथेरियम को लेकर तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यूएसडी की डोमिनेंस की तरफ, जिसकी मैंने थंबनेल में भी जो है वो पिक अटैच की है, जिसकी वजह से शायद आप अट्रैक्ट होकर वीडियो को ओपन किया होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है यूएसडी की डोमिनेंस, काफी लोग मेरे चैनल पर माशाल्लाह से न्यू आए तो बिगिनर्स हैं, तो मेरा चैनल है ही स्पेशल फॉर द बिगिनर्स, ठीक है। तो यूएसडी की डोमिनेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज द यूएसडी डोमिनेंस, यूएसडी डोमिनेंस मतलब यूएसडी की डिमांड मार्केट में कितना यूएसडी कमांड करता है, ठीक है। जितनी यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी, इट मींस के लोग अपना क्रिप्टो सेल करके उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो यूएसडी की डिमांड जो है वो वॉलेट के अंदर इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड व्हेन जैसे ही ये जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी, हमारे पास क्या होगा, दूसरे कॉइन्स की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि हम सेल करके यूएसडी ले रहे हैं, वॉल्यूम उसमें से निकल के यूएसडी में आ रहा है, तो यूएसडी की जो है वो डोमिनेट करेगा, तो क्या होगा, पंप होगा। अब आप कंपैरिजन कर लो, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट अगर आप नोटिस करो तो 9th of June 2022, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यूएसडी की डोमिनेंस के अंदर हमारे पास 62% का पंप आया था, ठीक है, कितने दिन में, 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, ठीक है, 9th of June से 17th of June। अब यहीं पर इसका कंपेयर कर लो आप बीटीसी से, ठीक है। 9 जून को हम देखेंगे तो बीटीसी यहाँ पे कितने से फॉल हुआ था, 31,000 से घिर के बीटीसी कितने पर आ गया था, 17 तारीख को बीटीसी यहाँ पे आ गया था 18,000 पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, और जब ये घिरेगा तो बिटकॉइन बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है, यूएसडी की डिमांड ने जो यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप पैटर्न बनाया इस तरीके से, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बनाया और अब वो नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी एक जो सपोर्ट है वो सबसे जो बेस्ट एरिया वो ये वाला है। अब यहाँ पे डू और डाई वाली सिचुएशन हो सकती है, अब यहाँ पे आपको देख के बहुत ख्याल से एंट्री लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये जो ट्रेंड की हमारे पास सपोर्ट चलती है, जिसने हमें यहाँ से बाउंस दिया, यहाँ से बाउंस दिया, ठीक है, यहाँ से हमें पूरा बाउंस दिया, जिसमें बीटीसी 31,000 से 18,000 पर आ गया, मतलब $31,000 से $18,000 पर आया, और अभी वापस इसी अप ट्रेंड पर जो है वो जो है यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस आई हुई है। और अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जो है वो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है बीटीसी के लिए देखना, वो यहाँ पे सख्त, अगर मैं बियर फ्लाई वगैरह सब हटा दूँ, ये भी थोड़ी सी हमारी लॉन्ग कहानी बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे बीटीसी के चार्ट को, तो बीटीसी का चार्ट जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉटम जो है वो प्ले आउट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ से, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे ट्रिपल टॉप देखें क्या होता है, क्योंकि मेरा चैनल, मैंने अगेन कहा कि मेरा जो चैनल है वो है स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीख भी सकते हो ट्रिपल टॉप पैटर्न इस तरीके से यहाँ पे जो वर्क करता है। ये देखो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, देन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, जो होता है नीचे की तरफ W बनता है। देखो गौर से देखो इसी तरीके से W बनता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक W बन रहा है, ठीक है, डबल बॉटम के बाद ये ट्रिपल टॉप बनता है। देखो यूँ W बनता है, यहाँ पे डबल बॉटम भी है और यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी है, ठीक है, ट्रिपल टॉप यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, ट्रिपल टॉप। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देख लो, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है ना, ठीक है, और नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ से समझ लो कि अब जो मार्केट है वो फिर इसका इस वाले एरिया में जब यहाँ से घिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ से पंप होगी, और जब वो पंप होगी तो हम बात करें उसके रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो उसका ये वाला एरिया बन जाता है। और अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे अगर हम इस फेकआउट को हटा दें, जो कि अगर मैं अभी सब कुछ आपको हटा के दिखाऊं, ये देखो ये एक फेकआउट था, ठीक है, ये वाला एरिया हम इसको एक असेंडिंग ट्राइंगल समझ सकते हो। अगर यहाँ से पंप हुआ तो यहाँ पे इसके अंदर कितना पंप आएगा, कंसिडर करें 15%, और उतना ही डंप अगर बिटकॉइन के अंदर आया 15%, तो वो कितना हो सकता है अगर हम इस ट्रेंड से कंसिडर करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लेके जो है वो दिखा देता हूँ। 15% का डंप आप यहाँ पे देख सकते हो बीटीसी के अंदर जो हो सकता है वो यहाँ पे $18,000 तक जो है वो हो सकता है, और डबल बॉटम अगर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे इशू हो सकता है। लेकिन अब आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, अभी आपने एंट्री नहीं लेनी, अभी आपने वेट करना है। एंट्री किस कॉइन में लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सब कुछ यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ये देखो सबसे जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो इस वक्त हमारे पास बीटीसी का ये वाला है, ठीक है, कौन सा एरिया यहाँ पे आ जाता है, 21,800। अगर इसके ऊपर बीटीसी जाके क्लोज कर देता है कैंडल को, ठीक है, दो सिनेरियोस में आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, क्लोज कर देता है तो आपने क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, क्लोज करने पर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ऐसे नहीं कि 21,800 पर आया और आपने बाय कर लिया, ऊपर गया क्लोज किया ऊपर कैंडल, यहाँ पर रिट्रेस हुआ, 21,800 पर आपने एंट्री ली, और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होंगे वो सिंपल सिंपल हमारे पास $25,000, $23,000 और यहाँ पे पास $29,000 तक जो है वो टारगेट हमारे पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो ये तब होगा जब यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस क्या होगी, हमारे पास इसको ब्रेकडाउन कर देगी, और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास कि वो यहाँ तक जो वो फॉल कर सकती है, और जितना वो फॉल करेगी बीटीसी उतना पंप करेगा, ठीक है। तो बीटीसी हमारे पास जो चांसेस है वो $25,000 तक है कि अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ। अभी मार्केट में वॉल्यूम कम है, लेकिन कल के दिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा। अब चलते हैं हम इथेरियम की तरफ। थोड़ा सा इथेरियम ने यहाँ पे हमारे पास एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया था, ठीक है,
असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप ये भी समझ जाओ कि वॉट इज द असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, असेंड, मैंने गलती से सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग हम ठीक कर देते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल एक टॉप जो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और एक अप ट्रेंड की सपोर्ट बनता है। ठीक है, इस तरह एक्जैक्टली देखो ये चीज़ बन रही है, ये एरिया हमें बार बार जो है वो रेजिस्टेंस दे रहा था यहाँ पे, और इस एरिया में सपोर्ट दे रहा था। यहाँ पे हमारे पास फेक आउट हुआ, बट कैंडल जो थी वो हमारे पास नेक्स्ट ऊपर आ गई। यहाँ पे क्या होता है, जैसे असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता है यह पंप होता है। ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ, एंट्री लो और पंप। अभी यहाँ पे एथेरियम में असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। इसी तरीके से कैंडल क्लोजिंग का मैं कह रहा हूँ कि आप बीटीसी के अंदर वेट करो, कैंडल क्लोज होती है। अब यहाँ पे आपको एथेरियम एंट्री कहाँ पे लेनी, जो सबसे बेस्ट एरिया एथेरियम के लिए बन जाता है वो मैं जहाँ पे एंट्री लूंगा वो $1,280 पे मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, इस एरिया पे आने का वेट करो, 1280 से 1250 वाले डॉलर्स एरिया में, यहाँ पे आप सबसे बेस्ट एंट्री लो। और अगर आप क्लोज करना चाह रहे हो कि अब एथेरियम जो है वो कहाँ तक जा सकता है, तो एथेरियम के जो चांसेस होंगे, जो सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारे पास एरिया बन जाता है वो ये वाला एरिया बन जाता है 1560। यहाँ पे 1560 पहला टारगेट है एथेरियम का, $1,560। ठीक है, सेकंड टारगेट एथेरियम का हमारे पास बन जाता है $1,690, मतलब ऑलमोस्ट 1700। और लास्ट टारगेट जो एथेरियम का बन जाता है वो हमारे पास बन जाता है $2,100, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक हम सेकंड टारगेट तक अचीव कर सकते हैं अगर ये प्ले आउट हुआ और यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि यहाँ पे मार्केट का क्या बॉटम है। देखो मार्केट गिर नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क ने अपनी जो है वो लिक्विडिटी जाहिर कर दी है। रशिया में जो है वो क्रिप्टो को बैन करने का जो इंप्लीमेंट है वो पुटिन ने साइन कर दिया है। अलग अलग तरह की हो रही है, क्रिप्टो पे 30% टैक्स लग गया, लेकिन अब बिटकॉइन क्या कह रहा है, नहीं अब मैं नहीं गिरूंगा, बस बिटकॉइन ने अपनी जगह बना ली है, देख रहे हो, तो यहाँ पे जगह बना ली। तो ये एक बॉटम की सबसे बड़ी निशानी होती है। मैंने पाय साइकिल का भी आपको कहा था कि पाय साइकिल का भी क्रॉस ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे बॉटम्स दो बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉटम बन सकता है वो 18,000 या $19,000 पर बन सकता है, और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो $10,000 की है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 10 मिनट की, मतलब इससे पहले दो वीडियोस, उनको छोड़ के एक वीडियो है, वो आप देखो, मैं यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे देता हूँ, उसके अंदर मैंने पूरा रीजन बताया। तो ये दो एरियाज हैं, तो अब आप कंफ्यूज नहीं हो, आप पता है क्या करो, 50% यहाँ पे बाइंग कर लो, 40 से 30 या 50% आप यहाँ पे बाइंग कर लो, फिर और नीचे गिरता है तो 50% वहाँ पे बाय करके डीसीए कर लेना, आपकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेयर मार्केट में आप, मैं क्या, कोई क्या, कोई क्रिप्टो का किंग भी ना यहाँ पे बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हम पार्ट्स में एक्यूमुलेट करते रहेंगे, एंट्रीज लेते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हम लोग मार्केट अपडेट्स जो होते हैं छोटी मोटी वो पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं दिन की एक अपडेट देता हूँ, लेकिन वहाँ पे हम सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। फ्री सिग्नल्स भी मैं देता रहता हूँ हफ्ते में एक दो, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।